ताऊते तूफान ने इसके पहले गोवा और कर्नाटक में जमकर तबाही मचाई। गोवा में 500 से ज्यादा पेड़ उखड़ गए, कई जगह बिजली के खंभे गिरे, 2 लोगों की मौत भी हो गई। वहीं कर्नाटक में भी कई घर तूफान की चपेट में आने से ढह गए। ताऊते ने जो तबाही मचाई है उसकी तस्वीरें देखिए। गोवा में ताऊते तूफान तो गुजर गया लेकिन छोड़ गया अपने पीछे बर्बादी का मंजर। कहीं जड़ से उखड़ गए दरख्त, कहीं फट गए पेड़, कहीं ढह गए मकान। तेज हवाओं ने यहां करीब 500 पेड़ों को उखाड़ दिया। जगह जगह पेड़ गिरे हुए हैं और रास्ते बंद हैं। कई जगह बिजली के तार टूट गए हैं। तूफान की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत भी हो गई। एक हादसे में बाइक सवार पर बिजली का खंभा गिरा, जबकि दूसरे हादसे में पेड़ गिरने से एक शख्स की मौत हुई। 2 दिन लगातार गोवा में तेज बारिश और जो तेज हवाएं लगातार चलती रही, अब यहां से पूरा तूफान तो निकल गया है लेकिन अब तबाही का मंजर देखिए। यहां पर किस तरीके से बड़े बड़े पेड़ पूरी तरीके से उखड़ चुके हैं, और साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो बिजली के जो तारे हैं उसके जो खंभे हैं वो भी पूरी तरीके से गिर चुके हैं, और ज्यादातर जो गोवा राज्य है वहां पर बिजली भी मौजूद नहीं है। जो इंटीरियर रोड्स है, मैं आपको बता दूं, इंटीरियर रोड्स तो पूरी तरीके से बंद पड़े हुए हैं। अब खतरा ये है कि कई सारे ऐसे पेड़ हैं, कई सारे ऐसे बड़े बड़े खंभे हैं जो किसी भी वक्त गिर सकते हैं, इसलिए उनको क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एनडीआरएफ की टीम ने कल देर रात में ये जो नेशनल हाईवे है उसको तो क्लियर किया है, लेकिन इंटीरियर रोड्स तक अभी तक नहीं पहुंच पाई क्योंकि 500 से ज्यादा पेड़ गिर चुके हैं। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि 200 से ज्यादा घर बहुत बुरी तरह डैमेज हो चुके हैं। 2 लोग ने उस वक्त अभी तक इसमें जान गंवाई है। गोवा के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत ने साफ कहा है कि और 2 दिन तक अपने घरों से ना निकले क्योंकि बहुत रिस्की हो सकता है। तो तबाही जो है साइक्लोन तौते के वजह से हमने गोवा में बहुत देखी क्योंकि बहुत ही तेज हवाएं थी। गोवा के हालात पर गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर बात की और हालात की जानकारी दी। गोवा की तरह ही कर्नाटक में भी ताऊते ने तबाही मचाई है। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में ताऊते तूफान ने जमकर तबाही मचाई। उडुपी में 4 लोगों की मौत हो गई। उत्तर कन्नड़ जिले में तूफान की तबाही में 71 घर तबाह हो गए। मछुआरों की 76 बोट भी तबाह हो गई। 270 से ज्यादा बिजली के खंभे गिर गए, जबकि भारी बारिश के चलते कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में लगभग 120 घर ढह गए। कर्नाटक के 6 जिलों पर तूफान का काफी बुरा असर पड़ा है। इन जिलों के 73 गांव इससे प्रभावित हुए हैं। समुद्री तूफान ताऊते ने 7 राज्यों को हिला के रख दिया है। पणजी से सौरभ वक्तानिया के साथ आज तक ब्यूरो।